अस्सलाम वालेकुम, बाजू की एक नए डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने ये ब्लू कलर का कपड़े का पीस लिया, इसके साथ पेपर बुकरम को पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। इसके ऊपर मैंने कंट्रास्ट कलर से जो है इस तरह सिलाइयाँ लगा लेनी है 1-1 इंच के मार्जिन से। गाइज, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले हमने छोटे रुख पे सिलाइयाँ लगा ली हैं 1-1 इंच के मार्जिन से, अब हमने लंबाई रुख पे भी लगा ली हैं। पट्टी हमारी सिलाइयाँ लग के जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब बाजू के फ्रंट साइड के ऊपर इसको उल्टा रखते हुए हमने इस तरह से अटैच कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल का विज़िट जरूर कीजिए, यहाँ आपको स्लीव डिज़ाइन के बहुत प्यारे प्यारे से आइडियाज़ मिल जाएंगे। स्पेशली विंटर ड्रेसेस के लिए आपको बहुत प्यारे से डिज़ाइन मिल जाएंगे। अब हमने पट्टी जो है बाजू के साथ अटैच कर ली है, टॉप पे भी एक सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के लिए। अब 2.5 इंच का एक कपड़े का पीस लेके पेपर बुकरम को पेस्ट कर लिया है, उसको सीधा ही हमने ब्लू पट्टी के नीचे रख के अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद उसको सीधी साइड की तरफ को इस तरह से पलटते हुए अच्छे से सेट करते हुए 1/2 इंच दूसरे सिरे से भी फोल्ड करके सेट करके तो किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये माशाल्लाह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है बाजुओं का तैयार हो जाएगा, आपको पसंद आएगा। पहले हमने यहाँ से इसको अटैच करते हुए सिलाई लगा लेनी है और फिर हमने फ्रंट साइड पे जो किनारी है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के लिए। पट्टी हमारी माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी तैयार हो चुकी है। अब दरमियान वाले हिस्से पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि तमाम सिलाइयों का फासला जो है वो बराबर हो जाए। डिज़ाइनिंग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बाजू के अंदर वाली सिलाई लगा के तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसानी से तैयार हो चुका। आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।